अस्सलाम वालेकुम मैं हूं उदर अज़र और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज़ आज की हमारी एक बहुत ही स्पेशल और एक्सक्लूसिव एपिसोड है बिकॉज टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो भी कल ही सीरीज खत्म हुई है उस पर बात करें एंड वी ऑल्सो डिस्कस वॉट आर द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दैट लेकिन तमाम तर नज़रें अभी भी हमारी वर्ल्ड कप प्रपरेशन पर है तो आज हम कोशिश करेंगे कि वी गेट इनपुट ऑन हाउ द टीम इज़ गोइंग टू लुक वेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप मेरे साथ हरतबा की तरह मौजूद हक तो हैं ही लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन द बिग मैन हिम सेल्फ मोहम्मद हुसैन द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज हेयर विदास वसीम भाई एक तो खुश आमदीद दूसरी बात यह कि इतना पुराना ये ताल्लुक और रिश्ता है कि आप के गैर मौजूदगी में जितने मर्जी गिले शिकवे करे ना आपको देख कर <laughs> ना एक मुस्कुराहट से आ ही जाती है नहीं भूलते नहीं है लेकिन मुस्कुराहट आ ही जाती है लेकिन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर और वसीम भाई ऑब्वियसली देयर देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू डिस्कस मतलब ऑबवियसली हमें जो सीरीज अभी खत्म हुई है स्पेशली जो आखिरी दो मैचेस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा क्योंकि हमारे पास नॉन् स्टॉप इतने सवाल आ रहे होते हैं जो आई एम प्रीटी आपको डायरेक्ट भी आते हैं एंड आई एम वेरी सर्टन आप अभी तक बहुत सारे सवालों के जवाब दे भी चुके हैं बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटीज पर डेली बेसिस पर तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन कॉन्वर्स ना पूछने वाले के अपने होते हैं ये आजकल नया ट्रेंड आ गया ना आवाम ये जानना चाह रही है लोग ये पूछना चाह रहे हैं

देखिए ट्रेंड जो ओवरऑल एक चलता आ रहा है और जो स्ट्रेंथ्स भी टीमों की मोस्ट टीमों की जो बन रही है आजकल दैट्स चेंज इन टीज क्रिकेट ठीक है अगर आप उस ट्रेंड को देखते हैं अपनी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं और फिर जो मैच की सिचुएशन है सीरीज की सिचुएशन है कि डिसाइडेड भाई आप जा रहे हैं तो ओ यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न के यार टॉस जीता है तो बहुत से लोगों को शायद मुझे भी लगा था कि यार आप काफ़ी हद तक तो मैच आपके हाथ में आ चुका है क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक टू हंड्रेड ऑन दिच मैंने कहा चलो वन सेवेंटी एटी तक होगा लेकिन ओवरऑल देखें तो डिसीजन आई थिंक टॉस वाला तो ठीक था कि टॉस जीत के आपने क्योंकि बाबर आई थिंक पाँच छः छः टॉसिस आ रहे हैं सीरीज़ के अंदर भी तो मोस्टली तो आप उनके उस पर खेल रहे थे बट ओवरऑल अगर आप सीरीज़ की बात करते हैं आई थिंक क्वाइट अ फ्यू लेसन फॉर अस क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव ऑल्सो लेकिन साथ में लेस भी हमें काफ़ी है और एन द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि इस सीरीज़ के अंदर देखें अक्सर लोग बात करते हैं जी ये इंग्लैंड के प्लेयर्स कुछ मिसिंग थे वो ट्राई आउट चीज़ें कर रहे थे लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम में भी बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आ रही थी ड्यू टू तो इंजरीज भी और साथ में रोटेशन के ऊपर भी और जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको दिया गया है तो हमारी भी पूरी टीम उस सीरीज के अंदर नहीं खेली है तो ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा है कि इस ऑल पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप मुझे सिलसिला है होप कि आप जाके न्यूजीलैंड के अंदर जो फाइनल एक शेप टीम वो की है वो आपको होती हुई नजर आएगी मैंने फुल टॉस से स्टार्ट किया है ताकि जरा थोड़े से फॉर्म में आ जाए <laughs> रिहान ओवर टू यू क्यों उन्होंने सबसे पहले बात ये की है कि इज दी देव लर्न अ लॉर्ड ऑफ लेसन तो मेरा जो इंस्टिंगटिवली पहला सवाल आता है वही आता है कि फ्रॉम द एशिया कप टिल hmm. नाउ hmm. देर आर सर्टन एरियाज एट वी हैड आइडेंटिफाइड या जो कैचुअल ऑब्जर्वर हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ एरियाज हैं Have we learnt anything in this series that that would address that some of those concerns have been addressed i think i I सीरीज the question to him and mera मेरा तो ये hai है कि नहीं क्योंकि order ke abhi अभी भी hain हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का मैच था एशिया कप में सुपर फोर का उसके अंदर पाकिस्तान side नवाज अब दी ऑर्डर बिकॉज एक साइड की बाउंड्री छोटी थी फिर अफगानिस्तान के मैच में शायद आपको ऊपर भेजा दोनों लो वैल्यू विकेट्स को यूटिलाइज किया जब आपने स्क्वाड ये सेलेक्ट की थी लो वैल्यू विकेट और अप्रोच जहन में थी या वॉज रैंडम डिसीजन देखिए कोई भी जब सिलेक्शन होती है तो ओबियसली फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स और व्हेन इट कम्स टू द प्लेयर्स कि आपके जो मेन कोर के जो प्लेयर्स हैं फिर बाकी सिलेक्शन आपकी उसके अराउंड होती है अगर बैटिंग की आप बात करते हैं तो ओबियसि बाबर और रिजवान की जिस की परफॉर्मेंस थी जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं और लंबे अरसे से खेलते आ रहे हैं जिस कंसिस्टेंसी से वो चल रहे हैं तो ओबिस दे बिकेम अवर स्ट्रेंग अब उसके बाद जो बाकी सिलेक्शन है डेफिनेटली दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड अराउंड के उनकी गेम को आके वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो लो हाई वैल्यू विकेट की आप जो बात कर रहे हैं ओबीसी उसके बाद जितना भी हमारा मिडल ऑर्डर है सो जिसके पीछे यही थी कि दीज आर ऑल लो वैल्यू विकेट्स इस पे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग विद सेवेंटीज एटीज देम आई अवन कंट्रीब्यूशन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पंद्रह बीस पच्चीस जिसको जितना मौका मिलता है वह आके करें क्योंकि नॉर्मली वी डू गेट गुड स्टार्ट अगर आप रन की बात करते हैं यू नो अराउंड नाइन्टी हंड्रेड एक एवरेज स्कोर हमारा बनता जा रहा है विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स या वन विकेट तो उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर स्मॉल कंट्रीब्यूशन तो ये सोच डेफिनेटली आपको सिलेक्शन के अंदर नज़र आती है अच्छा आ, तो मेरा यहाँ पर फिर अब एक और सवाल है स्पेशली क्योंकि इवन दो वी नो आंसर टू दिस लेकिन जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है उसकी क्लैरिटी के लिए जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है या या जो, जो अब यू नो एज द चीफ सिलेक्टर यू देर आप लोग आपने पहले भी हमारे एक शो में मुशावरत का बताया था कि क्या प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग एवरी वन ऑन बोर्ड एंड देन यू गिव द स्क्वाड वंस यू गिव द स्क्वाड इज देर एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी अबाउट द स्ट्रैटी या द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट नीड्स टू बी प्लेड तो देखें ब्रांड ऑफ क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो वो अक्सर हम इस पे बात तो आप लोग भी करते रहते हैं कि हमने फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है और मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना है ऑब्वियसली जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है या चंद टीमें और भी हैं जो कि एक स्टेप हमसे आगे जा रही हैं वन इट कम टू द अप्रोच या जो उनका एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेल रहे हैं हमारा आई थिंक इट विल टेक टाइम कि हम फुली कन्वर्ट हो जाएँ उस ब्रांड के ऊपर क्योंकि उसके लिए आपको प्लेस सर्टन तैयार चाहिए होते हैं लेकिन हमारा अगर आप विनिंग फार्मूले की बात करते हैं तो वो नीड मिक्सचर ऑफ बोथ कि आपका टॉप ऑर्डर जिस तरह खेलता है उसके साथ आके कॉम्प्लीमेंट करे आपका आपका जो मिडल ऑर्डर है इसमें सक्सेस हमें मिली है हमारा वर्ल्ड कप भी अच्छा गया हमारी होम सीरीज भी जितनी भी हम खेले हैं अच्छी गई और लास्ट आई थिंक बारह तेरह मैचेस हम जीते हुए हैं आउट ऑफ सोलह या सत्रह जितने भी मैचेज हम खेले हैं तो सक्सेस रेट हमारा हाई रहा है तो एट द मोमेंट आई थिंक द बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट स्ट्रैटी फॉर अस इज टू मिक्स एंड मैच के एक अप्रोच हमारी ये है और उसके साथ जो बाकी प्लेयर्स आते हैं वो उसके अंदर मिक्सअप नहीं होने चाहिए उनके सिलेक्शन में ही आपको एक वो रिफ्लेक्शन नजर आती होगी अच्छा तो सॉरी मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपने अभी हाल में एक आपका प्लेस जिससे साउंड बाइट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ वो हुआ कि अभी भी टीम में जुटते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में चेंजेस हो सकते मुझे हैं मुझे पता है मैं जरा थोड़ा सा इंग्लैंड की सीरीज से हट के ये बात कर रहा हूँ लेकिन ये वाली चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट इसलिए क्योंकि पिछले साल हमने आपका इंटरव्यू किया आपको याद है आ, आप वो वीडियो कॉल पर थे और हमारे इंटरव्यू और वर्ल्ड कप के स्टार्ट तक तो पच्चीस तो पहला तो मेरा सवाल यह hmm. है कि जो स्क्वाड में चेंजेस द टीम थिंक टैंक सेड नो दिज इन एंड चीजें एक तो ये है कि लास्ट ईयर भी कुछ चेंजिज हुई थी वो ड्यू टू इंजरीज हुई थी चाहे वो सोहे मकसूद है ही वज आउट बिकॉज ऑफ द इंजरी अभी भी हमारे इंजरीज़ के इशूज़ चल रहे हैं और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि उन चीज़ों पर हमारी नज़र है कोई बड़ी इंच बड़ी इंजरीज है और कुछ हमारी अभी रिसेंटली भी इस सीरीज के अंदर भी इंजरीज हुई हैं तो मैं ये कह दूँ जी कि बिल्कुल ही नहीं यही है तो वो इंजरीज़ को हम मोनीटर कर रहे हैं उसको देखेंगे कि वहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाएगा दूसरा यू टेल मी कि अगर आपकी एक सीरीज चल रही है आप उसके बीच में ऐसी एक स्टेटमेंट देंगे नहीं जी हम सोच रहे हैं हम चेंजेस करने का अगर कोई ऐसा प्लान बनेगा या हुआ भी तो अब इसी दैट्स नॉट समथिंग कि आप इधर बैठ के कहेंगे हाँ जी मैं तो टीम चेंज करने जा रहा हूँ हमने एक साल इन लड़कों को बैक किया है अभी भी इनको बैक कर रहे हैं आगे चल के देखते हैं अभी ये इंजरीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर फ़िट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है अन अवेलेबल है तो ये चीज़ें देखते हुए फिर शायद इन चीज़ों पर सोचा जा सकता है uh, <coughs> इस पे ये सवाल है कि आपने कहा कि जब टीम सेलेक्ट हो रही थी तो यू आर स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्डर दो चीज़ें जो है मेरे लिए स्टैंड आउट हैं सीरीज़ में एंड आई वांट यू अगर आप कोच होते hmm. चीफ सेलेक्टर तो आप हैं hmm. अगर आप कोच होते तो हाउ वुड यू हैव हैंडल दिस ठीक है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यह रहा है कि जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं अच्छा रहा इस सीरीज में यस दो मैचेस जीते हैं जिस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग चल जाती है आप तीन मैच जीते हैं सीरीज में दो आपकी बॉलिंग ने आपको मैचेस जिताए हैं बैटिंग के अंदर वही कंसर्न है पाकिस्तान ने एक मैच में वन किया चार आउट पर पूरी विकेट्स नहीं यूटिलाइज की पूरे रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज किए फिर वन किया वो भी पूरे ओवर खेले मेरी नज़र में जो आप कह रहे हैं उसमें तो बेहतर यह है कि अगर आपके टॉप ऑर्डर आउट हो जाए तो आप 110 पे ऑल आउट हो जाए लेकिन एटलीस्ट ट्राई दैट प्लान कल भी हमने कि देखा कि दैट देख शान एंड खुशदिल पार्टनरशिप इट फेल्ट लाइक like वो इंटेंट ही नहीं है hmm. और दूसरी चीज़ जितनी दफ़ा ड्रेसिंग रूम की तरफ कैमरा पड़ा तो वी सॉ बाबर एंड रिजवान सिटिंग देयर एंड उन दोनों को हम पर्सनली भी जानते हैं वो वो नेगेटिव नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये फील हो रहा था कि दो विकेट्स गिरने के बाद आपको लग रहा है मैच जीत ही नहीं सकते तो एज अ कोच वट वुड यू डू डिफरेंटली देखिए मुश्किल सवाल है चलो मैं कोच वाली टोपी पहनने की कोशिश आपको कोच वाली टोपी इसलिए भी पहनने की जरूरत है क्योंकि जो आपका नॉर्दर्न का टिनोर था इस हेड कोच mm. मैं पीटीवी के टिनोर की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज mm. पीटीवी के अंदर आई विल स्टिल से रिसोर्सेज वर्न द सेम आपको नॉर्दर्न mm. पे मिले वन ऑफ द हाई ऑफ योर रोल एज द हेड कोच वॉज और हमने बात की भी थीट मोर फ्लेक्सीबल इट के बैठा के आपका वो रेड बॉल में भी आउट ऑफ नो वेर यू केम फ्रॉम दफ द टेबल टू दाइल आई ऑल्सो रिम्बर मैं कोचिंग इनपुट इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सक पाकिस्तान के कोचिंग थिंक टैंक पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उनकी ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सो आई मीन दिस एट अस के क्योंकि जब हम ड्राफ्ट करते हैं हमारे दिमाग में कोई चीजें होती हैं so, में में है? <coughs> छोटे सवाल करोगे अच्छा <coughs> दो तीन चीजें चले आपसे देखिए इसमें एक तो जो चीज़ अभी रिहान ने बैटिंग ऑर्डर की इस तरह की जो बात की है ना ऑब्वियसली डेट रिफ्लेक्ट्स इन माई सिलेक्शन ठीक है ना अब आगे जो भी प्लान स्ट्रैटी एक बनती है ओबियसली हेड कोच हैं आपके आपके कैप्टन हैं वो फाइनल स्ट्रैटी उन्होंने बनानी होती है ठीक okay. है मेरे ख्याल में आई थिंक के जो जिस सोच के ऊपर मैंने ये सिलेक्शन की थी कि ये जितनी भी हमारी विकटें हैं नीचे वाली लो वैल्यू के तौर पे इनको यूज़ किया गया उनसे बेटर रिजल्ट्स हम ले सकते हैं और अगर हम देखते हैं कि हमारे जहाँ पर सक्सेस भी हमें मिली है अनलेस के हम दस दस विकटों से भी जो मैच जीते हैं अगर आप उनको हटाते हैं सात वाले मैचेस के अंदर आपको वो वैल्यू नज़र आई है चाहे आसिफ अली के दो चक्के नज़र आए यू के अंदर या इधर होम सीरीज़ के अंदर भी सम चिप इन किया जाके इफ्तार ने भी किया खुश दिल ने भी किया हुआ इन लेकिन वी नीड टू डू दैट मोर कंसिस्टेंटली दैट्स इस और दूसरा मेरा कंसर्न यह है कि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि शायद वो एक क्लियर मैसेज नहीं है या वो एक्सेप्टेंस अभी तक वाले लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ से नहीं आ रही है कि सम हाउ मुझे अभी भी थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा रख रहे हैं विकेट की जिसकी वजह से हमें थोड़े से जो वो इश्यूज़ आ रहे हैं अब कल के मैच की जैसे बात कर रहे हैं ओबीसी इट वाज एन इम्प्रेसिव अगर आप पार्टनरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं वी वर गोइंग नो दैट टाइम जब खुश दिल और शान खेल रहे थे तो ओबीसी ये भी उसी रोल के अंदर आते हैं कि जब आप चेजिंग का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बैटिंग साइड को यही होता है कि आपके सामने एक टारगेट लगा हुआ है आपके सामने एक पैटर्न सेट है कि यार ऐसे ऐसे हमने ऊपर जाना है दूसरी टीम ने ऐसे किया है तो यू वाट स्टे अराउंड दैट लाइन या जस्ट बिलो या जस्ट अब दैट लाइन तो आप बहुत ज़्यादा उस पर नहीं छोड़ सकते आई थिंक कल के मैच के अंदर काफ़ी लेसन्स थे कि देखें इस तरह की क्रिकेट अगर हमें खेलनी थी अगर हमने खेलनी हो ना तो फिर वो जो बात अक्सर लोग करते हैं ना कि आपके पास टेक्निकली बेटर इक्विपमेंट बैट्समैन या जो इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं तो, तो फिर तो वो रिसोर्स तो फिर उस तरह वाले तो आपको बहुत से मिल जाएंगे ठीक है कि आपकी गेम प्लान क्या है वक्त हो रहा है ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल आउट द गेम प्लान विल आल्सो टॉक अबाउट बोलिंग साइड ऑफ थिंग्स वेल एंड ऑल्सो कुछ अवामी सवाल हमारे पास आए हुए तो अवी सवालों की तरफ भी चलेंगे तो देखते रहे स्पोर्ट्स वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउन प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड बाई वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद असीम से एंड वीर टॉकिंग अबाउट द

नंबर चार पे या पाँच पे ले हैं तो आपकी बैटिंग लाइनअप उससे भी लंबी हो जाती है और आल्सो अगर आपने बैटिंग नहीं लंबी करनी तो आप छठा बॉलर खिला सकते हो तो आपके पास वो रिसोसेज हैं मेरा सवाल यह है कि एक तो वो रिसोसेज यूटिलाइज़ क्यों नहीं हो रही अभी तक हमने दो मैचेस में यूटिलाइज होते देखा इंडिया के खिलाफ और अफगानिस्तान खिलाफ दोनों मैच में एक में नवाज मैन ऑफ द मैच था एक में शादाब मैन ऑफ द मैच था उसके बाद हमने नहीं देखा वो यूटिलाइज होते हुए सिमिलरली चले इस सीरीज के अंदर आपने मिडल ऑर्डर को टाइम देना था सिमिलरली क्या आपको यह लगता है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है डजेंट क्वाइट ट्रस्ट द मिडल ऑर्डर एंड उसकी वजह से एज सून गेट आउट तो टीम में होता है कि यार बीस ओवर पूरे खेल लो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर द टारगेट देखिए ट्रस्ट वाला फैक्टर आई डोंट थिंक कि जब आप एक टीम में अंदर खेल रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिटी होती है तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर तो क्लैरिटी वही होगी आपके रोल्स क्या हैं जो ऊपर से विकटें गिरती हैं उसके बाद बात फिर वो यही आ जाती है कि ट्रस्ट वाली बात है कल जो आप बात कर रहे थे कि वो मे बी मैच में ग्राउंड पर ही था देख रहा था और उसे शायद शायद वो थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट करता है क्या के ये चीज़ इंप्रूव आप कर सकते हो ठीक है एज अ बैट्समैन मे बी एज अ बैट्समैन आप आउट होते हैं आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है बट ऑन द सेम टाइम आपको बाकी ग्रुप की तरफ भी देखना होता है आपको वो करनी होती है हम श्योर इस पर बात हुई होगी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की बात कोच ने भी की होगी और कैप्टन ने भी शायद रियलाइज़ किया होगा बिकॉज इट्स इट्स नॉट अ ग्रेट मैसेज अगर आप देखते हैं जी कि आपकी एक दो विकटें गिरी हैं तो आपकी पूरी टीम ही नीचे चली जाए तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें ट्रस्ट ज़्यादा शो करने की ज़रूरत है फेथ ज़्यादा शो करने की ज़रूरत है जहाँ तक आपने बॉलिंग की अभी बात की थी देखें हमारी स्ट्रेंथ इट विल रिमेन बॉलिंग ठीक है अगर हम जीत रहे हैं ना अक्सर लोग कहते हैं यारो तो बॉलिंग ने आपको मैच जिता दिया अब बॉलर की को हमने कोई साउथ अफ्रीका से तो नहीं लिया है ना yeah. बॉलिंग yeah. भी तो हमारी है ना एस ए टीम गेम एंड ऑफ द डे दट मैटर्स कि आपको रिजल्ट अच्छे आने चाहिए चाहे आपकी बॉलिंग जिता रही है चाहे आपकी बैटिंग में ओपनर जिता रहे हैं या मिडल ऑर्डर जिता रहे हैं तो परफेक्ट तो एक टीम बन नहीं सकती आपके जी आपके ओपनर भी ऐसे खेलने चाहिए मिडल ऑर्डर भी ऐसा होना चाहिए फिनिशर भी होना चाहिए टॉप के आपके पास हर टीम के अंदर कोई ना कोई लेस में बोलूँगा कि मजबूत जिसको बोलते हैं कि लिंक्स होते हैं हर टीम के अंदर और हमारी जो मेन स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग रही है बॉलिंग ने मैच जिताए हैं और इंशाल्लाह बैटिंग में डेफिनेटली वी नीड इम्प्रूवमेंट्स बाकी जो आपने बात की है बैटिंग ऑर्डर की देखिए डिस्कशन मतलब एज अ मैं चीफ सेलेक्टर बात नहीं करता वैसे अगर मैं एज अ करकेटर या आप कोच अगर आप कहें तो आप आई टू सी आई वुड लव टू सी शादाब एंड नवाज बैटिंग हायर हाई ऑर्डर ये डिस्कशन मेरी हो भी चुकी है टू बी टीम मैनेजमेंट के साथ भी कि हमारी जो एक लुक है ना मिडल ऑर्डर की अगर उसको हमने थोड़ा और चेंज करना और देखते हुए स्किल्स को देखते हुए ये नहीं कि जिसको दस जाए ना तो आई स्टिल बिलीव कि अगर चार या पाँच के ऊपर नवाजो शादाब आ जाते हैं बैटिंग भी हमारी बहुत लंबी हो जाती है और मिडिल ओवर्स का जो हमें थोड़ा इशू आ रहा है क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और वो देखते हैं ना कि हमारा प्रॉब्लम इशू है क्या इट्स नॉट बोर्ड मिडल ऑर्डर और अगर आप इसको थोड़ा सा और आप वो लगाए ना इसके ऊपर थोड़ी दूरबीन लग लगाते हैं कि मिडल ओवर्स हमारे हैं कि वहाँ पर किस अप्रोच से हमने खेलना है और कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज करना है तो आई थिंक दोनों के अंदर क्वालिटी है कि उस पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं हाई स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं और साथ साथ रनिंग बिटवीन द विकेट अगर हम देखते हैं वो भी अच्छी कर लेते हैं जहाँ पे बाउंड्रीज की जरूरत है दोनों में एबिलिटी मौजूद है तो शायद आपको ये चीज़ आगे चल के नजर आएगी जस्ट वन मोर क्वेश्चन आई नो कि आप स्टार्ट में बिलीव करते हैं आप डेटा में बिलीव करते हैं तो hmm. मैं इस सीरीज से पहले uh, पिछले दो साल का जो डेटा था उसमें पाकिस्तान का पावर प्ले स्कोरिंग रेट था नाइन्थ इन द वर्ल्ड आउट ऑफ द टॉप ट्वेल्व टीम्स मिडल ओवर्स वज फोर्थ एंड डेथ ओवर्स वाज सेकेंड बेस्ट ठीक है पर जब हम टीम की बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि ऊपर से स्कोर हो रहा है नीचे से स्कोर नहीं हो रहा mm. इस सीरीज के अंदर येस द मिडल ऑर्डर डिड नॉट डिलीवर बट स्टेटिस्टिकली दो ढाई साल से ये हो रहा है mm. जो आप कंसर्न की बात करें मिडल ओवर्स में वो कंसर्न है बिल्कुल है वंस यू लूज वन ऑफ योर ओपनर्स इन द और बाबर और रिजवान तब जब बेहतर खेलते हैं जब mm. वो नहीं आउट होते बाबर में मिडिल ओवर में वो एक्सलिट करते हैं माय क्वेश्चन जब आपने शादाब की बात की

उतना बड़ा गोसानिया तो नहीं हो गया कि आप कह रहे हैं कि ले ले रिस्पॉन्सबिलिटी सोच भी है इसके हाँ. अंदर सोच कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं चीज़ को एक डिफरेंटली देख रहे हैं हुँ. और मैं मैं दोनों तरफ के पॉइंट्स को मैं समझ रहा हूँ कि हुँ. वो कहाँ से आए कि टाइम होता है कि टीम मैनेजमेंट के जहन में होता है कि आपका एक अच्छा प्लेयर जो है ना वो पीछे मौजूद है तो आपको थोड़ी तसली भी रहती है और आई थिंक एट टाइम्स शायद आपके साथ ये होता है कि यार ये भी मौजूद है पर आप अगर आप दूसरी साइड देखते हैं तो ओ कि ट्वेंटी आवर्स में यू वांट योर बेस्ट बैट्समैन टू फेस मोर बॉल्स ठीक है ना रिगार्डलेस ऑफ देर नंबर के कौन से नंबर पे वो आ रहा है बैटिंग hmm. कर रहा है तो वो सिचुएशनल आपको चीज़ें वो करनी पड़ती और आई वॉज ग्लैड जब नवाज को प्रमोट किया गया है शदाब को प्रमोट किया गया सो वी आर मूविंग दैट डायरेक्शन बट आई थिंक जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इस पर थोड़ी और डिस्कशन होगी हमारी भी होगी टीम मैनेजमेंट के साथ होगी लेकिन इस पर सोचना होगा कि वो आर आवर बेस्ट बैट्समैन एट नंबर फोर और फाइव रिगार्डलेस ऑफ देयर नेम जिनका रोल टीम के अंदर वो ऑलराउंडर हैं या वो प्योरली बैट्समैन है तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी वर्क नवाज और शादा बैटिंग इन द टॉप फाइव इन न्यूजीलैंड <laughs> बात करेंगे यार बात <laughs> <भाद laughs> करेंगे अच्छा वैसे यहाँ पर मैंने एक और बात भी करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी अपने शो पर बड़ी दवा बात कर चुके हैं कि शादाब और नवाज़ के होते हुए आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान कैन बी फ्लैक्सीबल विद देर प्लानिंग अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है वो खिला सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग केपेबिलिटी या अगर आपने एक चौथा सीमर खिलाना है तो वो खिला सकते हैं चौथे सीमर का अमूमन हमें कंसर्न यही होता है कि शुड बी लेट्स जस्ट से मोर रिलायबल विद द बैट देन देन वॉट वी हैव एट द मोमेंट

एड्रेस्ड फहीम क्वेश्चन मेरी टाइम जरा थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके <coughs> इस वक्त uh, रेडार पे कोई है तो वो कौन है देखें इसमें कुछ एरियाज हैं जो मैं बार बार कह चुका हूँ जिनके ऊपर हम लगे हुए हैं वी लैक स्पिनर्स इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे पास उस तरह की क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे कि जिनको हम कहें कि के यार जो रेडी रिप्लेसमेंट है स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करता हूँ कि जी यासर की रिप्लेसमेंट आ गई या अभी नोमान खेल है उसकी आगी है वी वर्किंग ऑन दोज लाइन्स अभी लास्ट ईयर डोमेस्टिक में हमें कुछ परफॉर्मेंस मिली इस साल में मिल रही है एंड सेम अपलाइज होगा पेस ऑलराउंडर्स कि एक ऐसा एरिया है कि जो कि सोट ऑफ आपको मिसिंग एक लिंक नजर आता है वो जूनियर वैन ही वॉज पेक्ट उसके ऊपर था कि ये बैटिंग में इसकी प्रोग्रेशन होगी यू कैन बैट आई स्टिल बिलीव यू कैन बैट तो उसको थोड़ा टाइम शायद और लगेगा अभी बनने में एन द सेम टाइम कुछ लड़के जो पहले खेल चुके हैं चाहे वो फेम की बात कर रहे हैं आमिर यामी है उसमें आ जाते हैं आपके अहमाद भट्ट आ जाते हैं दो चार नाम इस तरह के थे उसके बाद कुछ लड़के हमने नए वे आइडेंटिफाई किए थे आमिर जमाल वाज वन ऑफ देम दिन इमरान रंधावा है शायद वो आप जानते होंगे आपकी टीम में वो शायद खेले हुए और उसके अलावा आफरीदी हैं तो ये तीन चार अपकमिंग लड़के थे तो ऐट द मोमेंट फिर वही है कि बात आ जाती है परफॉर्मेंस की और करंट फॉर्म की आपकी क्योंकि लड़के देखें जो खेले हुए हैं ठीक है अब ये तो नहीं वो परफॉर्म करके बाहर हुए हैं वर dropped because of their performance acha aapke kuch sabik teammates kehte hain ki aap mohammad aseem junior ko jab all rounder kehte hain wo basically hamare number 10 se better batting karta hai this is this is feedback that's coming from some uh, former uh, i'm not calling him an all rounder but he was a big he has a time so ye thi ki aage potential hai potential hai capability acha baat wo ye ki can anyone question is bowling ability दूसरी चीज आपने अभी बात की तो इंग्लैंड यानी hmm. अक्सर लोग बात करते हैं इंग्लैंड की जो टीम की सिलेक्शन है और वो सारा कुछ और यू नो कि इनके इतने वाइट बॉल बैटर्स कहाँ से आ रहे हैं hmm. या इनकी बॉलिंग के अंदर भी अब आप देखेंगे उनके मेन बॉलर अगर जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है या क्रिस वोक्स पूरा सीरीज में दो या तीन मैच खेले या वुड खेले कम मैच तो उनके बैकअप्स हैं लॉट ऑफ पीपल आस्क के ये बैकअप्स क्यों हैं ठीक है द रीज़न एज इन वट इंग्लैंड क्रिकेट दमसेल्स इज के अगर उनका नेशनल जो टी ट्वेंटी ब्लास्ट होता है mm. उसमें कोई टॉप करोड़ो mm. वो उससे ज़्यादा तरजीह देते हैं उस प्लेयर को जो फॉर एग्जाम्पल आई पी एल या पी एस एल या सी पी एल में परफॉर्म करके आया हो ठीक mm. है उसमें मेरा सवाल यह आपने कहा यह तो एज अ सेलेक्टर डू यू ओनली कीप टैब्स ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट या वुड यू ऑल्सो कीप टैब्स ऑन काउंटी क्रिकेट जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जफर गौर वॉज द प्लेयर ऑफ़ द सीरीज ग्लास्टर शहर के लिए

वो oh डेफिनेटली आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं इक्का दुखा कोई एग्जाम्पल ऐसी होंगी जो मिस करके चलेंगे अदरवाइज़ ये लड़के डोमेस्टिक भी हमारी खेलते हैं तो उसको एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक, एक वैल्यू आपके पास आ जाती है और तो इसी देन डन यू हैव टू जज लेकिन अब और उसके बाद ये कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और कंडीशन क्या है ठीक है ना अगर आप की आप बात कर रहे हैं और अक्सर लोग कर रहे हैं या जफर गौर भी कर रहे हैं दे टेकिंग विकेट इन काउंटी क्रिकेट ठीक है अगर हमारा इंग्लैंड का टूर होगा तो वहां की कंडीशंस को देखिए अवेलेबल कंसिडरेशन अगर आप ये कह दें जी कि वहां पे आउट कर रहा है तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक के ऊपर भी हमें उस पेज के बॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर वो चीज़ें आपने एज ए सिलेक्शन कमेटी आपने वो देखनी होती हैं लेकिन इसमें कोई बैरियर नहीं है जी कि कोई ये खेलेगा या वो खेलेगा उसको देखेंगे जहाँ पे भी खेल रहे हैं हमारा गाँव को मोनिटर करूँगा हमने ब्रेक पे जाना है लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक हल्का सा सवाल इसी पे फॉलोअ ही कर रहा हूं देखो है देखो जी कितना लंबा होता है चलो छोटा सा सवाल है बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन मैंने चार दफा कह दिया कल रात को मैच के दौरान ये वाली बात कन्वे की गई थ्रू द कमेंट्री बॉक्स के पीसीबी ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर आप दूसरी

वेलकम बैक टू दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स लाउन प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज वसीम भाई हमने अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा आपसे थोड़े से नर्डी भी पूछ लिए थोड़े से आवमी सवालों की तरफ चलते हैं मिडल mm. ऑर्डर के फेलियर की जब भी बात होती है या लैक ऑफ परफॉर्मेंस की जब भी बात होती है सोशल मीडिया पर तो एक नाम बहुत फ्रीकुनटली सामने आ रहा है कि वाई इज इंट ही इन द स्क्वाड या वाई इज इंट ही बीन कंसिडर्ड और ऑस्ट्रेलिया के नंबर्स को बिल्कुल सामने नहीं रखते वो बिल्कुल और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती But the question is about वो नहीं करूंगा किफी ये, 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 कि दफा कर चुका हूँ लेकिन हमारी स्टार्ट हुई थी मैं सिंपली इसको उधर ही सम अप करूंगा लो वैल्यूज विकेट्स की बात कर रहे हैं तो उस कम्बिनेशन अगर आप देखते हैं तो आई थिंक वी है ask any question over there? No, I just want to say ट से उन्होंने कहा कि जफर को अगर इंग्लैंड में सीरीज हुई तो आपके अबास को इंग्लैंड में सीरीज हुई so, Similarly, when Shoaib Malik की सिलेक्शन की तो did you think Australia वाली फॉर्म उन्होंने कहा side पर रखो side पर रखो But did you think Australia वाले नंबर did you consider those? नहीं देखिए बात फिर वो आ जाती ना कि आपका जो गेम प्लान है आपने हुँ. टीम को कैसे ठीक है ना मतलब अगर वही बात है ना मैंने इसलिए कहा था कि अगर जैसे कल हमने मैच खेला और बैट्स डिफरेंट है दे सपोज टू बिले विद हाई स्ट्राइक रेट रिकॉर्डलेस कि आपके सामने बॉलर स्पिनर है या फास्ट बॉलर है जो भी रिक्वायरमेंट है आपने उसको मैच करने की कोशिश करनी है आई थिंक कि वो अगर हम रोल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आई थिंक इफ्तार जिस तरह बॉलिंग में भी अभी वो साथ में बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग में भी अगर उसकी थोड़ी और परफार्मेंसे आती हैं जो कि अभी इसकी परफॉर्मेंस मैं उसको कंसिडर करूँगा कि डिसेंट परफार्मेंस उसकी रही है सीरीज के अंदर ही एज शोन हिज केपेबिलिटी और उसका अगर हम देखते हैं उसकी टेक्निक भी देखते हैं उसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया में भी है उसको भी देखते हैं तो ये भी मोर यूज़फुल अच्छा एक एक बात मैं यहाँ पे कर लूँ कुछ प्लेयर्स आर अंडर मोर स्क्रूटनी देन एवर

मतलब अनरिटर्न है कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है तो इसमें पता है आपको कि आपका तो उन्होंने करना ही करना है आपने जो मर्जी आप कर लें ठीक है लेकिन जो प्लेयर्स के ऊपर है मैं बार बार रिक्वेस्ट अपने कोलीग्स जो हमारे साथ खेले हुए हैं उनसे भी कर चुका हूँ मीडिया से आवाम से भी करता हूँ कि आप देखें सिलेक्शन के ऊपर आप तनकीद करें आप गेम के ऊपर करें आप हारने के ऊपर करें तनकीद आपका करें लेकिन पर्सनल अटैक्स किसी के ऊपर नाम ले लें कि ना ये ज़्यादा है और क्रिकेटर से तो मैं स्पेशली इसलिए कहता हूँ कि देखें जो भी क्रिकेटर है चाहे वो कोई एक इंटरनेशनल खेला हुआ है चाहे सौ इंटरनेशनल खेला हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है हो घर से उठ के आके कोई भी yeah. आपके इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है तो जस्ट रिमेंबर योर ओन टाइम कि आप भी गली मोहल्लों से इसी तरह खेलते खेलते ऊपर आए हैं ठीक है ना और ये लोग भी उसी तरह आए हुए हैं अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है या आपको उनकी किसी चीज़ पे डाउट्स हैं तो आप उसकी टेक्निक के ऊपर बात करें रोल के ऊपर बात करें लेकिन पर्सनल अटैक्स इस तरीके से कर देना कि निकाल दो तबाह कर दो आई थिंक ये जाती है तो बंदे को अपना टाइम थोड़ा तो सा याद रखना चाहिए और उसमें से अक्सर लोग तो ऐसे हैं कि जिनको हमें क्या बोल वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं देखते आज तक देखें जितनी भी कन्वर्सेशन आपने सुनी होंगी टी वी पर इसको निकाल दो इसको निकाल दो इसको निकाल दो जब बात आएगी कि इसकी जगह किसको होना चाहिए कोई भी नाम नहीं लेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दैम फॉलो क्रिकेट एनी वे क्रिकेट हमारी को फॉलो ही नहीं करते उनको पता ही नहीं है ठीक है और फिर मैं कहूँगा कि हमारे जो बेस्ट रिसोर्सेज थे वो हमने पिक किए थे अब इनको यूटिलाइज थोड़ा बेहतर तरीके से करना है डेफिनेटली इसके ऊपर काम जारी है जी रेहान अब uh, आपने बात की इंडिविजुअल्स मैं इंडिविजुअल्स पर वैसे ही बात नहीं करता हुँ. पर प्लानिंग के ऊपर आई नो दिस नॉट योर डिपार्टमेंट बट एशिया कप का फाइनल होता है हुँ. फिफ्टी एट्थ और फाइव होती है श्रीलंका ठीक है पाकिस्तान में मैच हार जाए उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं हार जीत हिस्सा है कुदरत का निज़ाम है सब कुछ है ठीक है लेकिन राजा पक्षा जो हैं वो हर बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट स्कोर करते हैं लेफ्ट आर्म पेस हो राइट आर्म पेस हो लेग स्पिन हो ऑफ स्पिन हो, हो एक बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं उनका सारे करियर का रिकॉर्ड है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को वो नहीं अच्छा खेलते ठीक है पाकिस्तान नवाज जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलरस एशिया कप में उसको ओवर इसलिए नहीं दिया कि ये लेफ्ट ही बैटिंग कर रहा है hmm. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मैचअप की कि ये बंदा इसके खिलाफ स्ट्रगल करता है उसके ऊपर कोई काम हो रहा है टीम में या नहीं देखिए लगे हुए इट विल टेक टाइम कुछ टीमें इस काफी आगे चली तो नहीं, 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 देखिए इस इसमें देखिए अब ये नहीं है कि सारी दुनिया में इसी चीज के ऊपर मैचअप्स के ऊपर चल रही है बहुत सी अभी भी टीमें ऐसी या भी ऐसी हैं कि दे डोंट इतना ब्लाइंड बिलीव उनका नहीं होता है इन चीज़ों के ऊपर आई नो के आप जिस फ्रेंचाइज में आप फ्रेंचाइज में यू आर थिंगल ठीक है लेकिन समे होता है देखें आप बाहर बैठ के मैचअप देना ये चीजें ठीक है ना आप लोग इस साइड पे रस्से के होते हो आप डाक के अंदर और वहाँ से इट्स वेरी सिंपल ठीक है अब अंदर जो कैप्टन है आपका जो उस टाइम पर जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं चाहे वो कोचेज हैं ना इंस्टेंट आपको डिसीजन लेने होते हैं और सम टाइम आपको जिस चीज़ें कुछ याद भी नहीं रहती हैं दूसरा आपको लगता है कि यार ये बेहतर ऑप्शन है ठीक है मैचअप तो ये कह रहा है लेकिन अंदर जिस तरह की वो बॉलिंग या कंडीशन हैं या पिच जिस तरह खेल रही है जिस तरह बैट्समैन खेल रहा है तो जो इंस्टेंट आपके डिसीजन होते हैं ना ऑबियसली यू कान टेक दैट आउट ऑफ द गेम

बट नवाज को हिट लगी छक्का उसने मारा नहीं नहीं मोइन अली का तो डेढ़ सौ का स्ट्राइक स्पिनर ठीक है लेफ्ट आम स्पिन उल्टा हो गया ना मैचअप आया उसने नवाज को मारा उसको वापस लेके आया है आपकी जो सारी थ्योरी थी उल्टी होगी तो वो अंदर जाके सम टाइम इट पेज ऑफ सम टाइम इट डज आई एम नॉट सेइंग इट हंड्रेड परसेंट पेज ऑफ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक डेट एविडेंस सेट है ठीक है ये भी तो एक एविडेंस है ना कि इस बंदे ने चार सेंचुरियाँ की हैं पिछले चार मैचों में तो ये फॉर्म में ये एविडेंस है ना नहीं वो तो है एनालिस्ट टीम के साथ है और वो आई एम श्योर कि वो इस की दे रहे होंगे ठीक क्योंकि जो टीम एनालिस्ट है वो टीम के साथ है और उसी जिन चीज़ों पे मैं रिलाई करता हूं आई आई एम एम सेइंग सेइंग इट्स नॉट योर बट कि कि आपको लगता है इसके ऊपर और काम होना चाहिए डेफिनेटली आगे चल के देखें फिर बात वही आ जाती है ना कि वो टीम्स की भी जब बात प्लेयर्स की भी करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जब आपके पास 360 वाले प्लेयर्स भी आ जाएंगे और फिर ये जो मैचअप से ये चीज़ें ना फिर इन चीज़ों में भी आपको प्रोग्रेशन नजर आएगी तभी तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपने बेस्ट उनको यूज़ करना है अच्छा यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा हैदर अली और उस्मान कादिर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि वो अब टीम के साथ काफ़ी फ्रीकुंटली ट्रैवल कर रहे हैं आई अंडरस्टैंड कि डेढ़ डेढ़ घंटे नेट्स में तब भी हैदर अली को बैटिंग मिल रही होगी बट दे आर मिसिंग आउट ऑन वैल्यूबल मैच एक्सपोजर एंड मैच फिटनेस ओवर द लास्ट टू ईयर्स एज चीफ सिलेक्टर आपका कोई इस पर कोई ओपिनियन रहा है कि यार इन्हें शायद एक्स वाई जेड टोर से निकाल के ज़रा थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस ज़्यादा दिलवा दें आपको नजर आया क्लियरली कि वो नहीं। उस कंसिस्टेंसी से नई परफॉर्मेंस हुई क्योंकि प्रॉबेबली मैच फिटनेस और नेट में बॉलिंग और मैच में जमीन नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली देखें ये मार्जिन मतलब जब आप मैच देखते हैं जो आउट हो जाता है कोई आप उसके पीछे फिर वो देखते नहीं हैं कि उसकी से क्या चल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या थी हैदर जैसे भी इस सीरीज़ से पहले जो खेला हुआ था आई थिंक बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था इट इड वेल आई थिंक मैच उसको मिले थे दो मैचेस के अंदर उसके बाद ओ टीम का जो कम्बीशन बन ऑलराउंडर खिलाया उन्होंने उसके बाद से वो स्पेस उसको नहीं मिल सकी है लेकिन ये चीज़ अगर मैं आपसे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है शुरू में मुझे थोड़ा ये गिला ज़्यादा था कि लड़के पिक होते थे और वो ट्रैवल करके आ जाते थे लेकिन अगर आप पिछले छः आठ महीने में देखते हैं तो हमारे काफ़ी ऐसे लड़के जो कि बेंच पे थे उनको मौा मिले हैं और अब मिडिल ऑर्डर बात फिर वही आ जाती है कि इस तरह अगर आप इस सीरीज से पहले देखते हैं तो उतने ज़्यादा मैचेस हमारे क्योंकि बॉल्स भी नहीं और दूसरा आपके जब आपके इवेंट्स आपका एशिया कप है या वर्ल्ड कप है तो वो उसके अंदर आप इतना एक्सपेरिमेंट से इन चीज़ों पर जा नहीं सकते तो जितनी भी होम सीरीज थी या बाईल सीरीज थी उसमें ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है ठीक है जी रहा अब ये मेरा क्वेश्चन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस एज वेल बट इस है क्लैरिटी चाहिए क्योंकि पॉलिसी अगर ये पॉलिसी है तो फिर तो हम इस पर डिस्कशन ही नहीं कर सकते Is a fact ke, lot of have ke, शर्जील जैसा ओपनर फॉर एग्जाम्पल या आजम जैसा बैटर इज इटरेशन इज दैटी और इज इट इसी पर फॉलो मैं कर दूँ क्योंकि शर्जील से रिलेटेड तो ज्यादा सवाल आते हैं ना हमें कि अगर शान मसूद को कहा जा सकता है कि तुम मिडिल में खेलो तो आप हाँ, मतलब आई नो दू दिस आपके ओपिनियन में कभी ये कंसीडरेशन हुई कि चलो ठीक है मे बी वी कैन इवन ट्राई अह शर्जील और सम अदर ओपनर टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑर्डर नहीं देखिए अब वो तो डिफरेंट चीजें होंगी ना एक हाँ, पहला जो सवाल तो हाँ, है वो आई थिंक ज्यादा हां जो इसके अंदर उनसे तो बात बहुत ज्यादा उनकी फिटनेस पे भी हुई है ओके okay. हाँ रोल की शायद समझ आ जाएगी उनको जल्दी लेकिन फिटनेस वाली नहीं आ रही दो साल से नहीं आ रही है कोशिश तो मैं बड़ी कर रहा हूँ उनसे बात करने की देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि देखिए एक एक है आपने एज अ सिलेक्टर आपने देखनी है स्किल सेट क्या है प्लेयर का तो स्किल के ऊपर तो मुझे कभी भी डाउट नहीं था चाहे वो शर्जील की थी चाहे वो आज़म की है सुहेब मकसूद इसमें आ जाते हैं दो तीन और प्लेयर्स भी थे बात आ जाती है जहाँ पे फिटनेस की फील्डिंग की ये चीज़ों की अब ये ये दैट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रैटी ठीक है ना अब वो कैप्टन कोच ने है बनानी है और वो जो इन्वायरमेंट है और ये एक बार उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि इससे बिलो प्लेयर हमें टीम के अंदर नहीं चाहिए क्योंकि इट डिस्टर्ब द होल टीम ओके okay. ठीक है ना okay. कि अगर यहाँ पे अगर आ जाता है कोई बंदा एक नया वो ऐसे ही बैठ जाता है तो फिर कहोगे यार मुझे ये शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है मैं भी ऐसे ही बैठूँगा जो उसने पहना हुआ है निगर पहन के बैठ जाऊँगा मैं भी तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन फिर बात आ जाती है कि जब एक्सेप्टेंस होगी टीम मैनेजमेंट की जानब से कि ठीक है जी लग से जी कि मैं कहता हूँ मैं किसी को भी रूल आउट कभी भी नहीं किया इसी वजह से कि मैं कोई लड़का ऐसा फिट करता हूँ जिसके क्वेश्चन मार्क है उसकी फिटनेस के ऊपर लेकिन उसका जो स्किल सेट है या इवन परफॉर्मेंस है वो मैच करती है ठीक है मैं कहूँगा भाई ये लड़का है ये दो चीज़ें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी फील्डिंग इसका जो फिटनेस है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी प्लेइंग एलेवन के अंदर या उस ग्रुप के अंदर अगर वहाँ से ओके okay का आता है सिग्नल लेक्टिंग अ प्लेयर कि जिसकी लेकिन ओ आप बहुत ज्यादा ये चीज़ें नहीं कर सकते एक एक प्लेयर के ऊपर ही होता है एक, एक या दो प्लेयर ऐसे जिनको आप आपवन के अंदर लाते हैं और फील्ड के अंदर आप कहते हैं यार मैं एडजस्ट कर लूँगा इसको अपने वो समझते हैं आप क्या कहते हैं हम क्या एडजस्ट कर लेंगे इसको छुपा लूंगा ऐसा होता है तो ये हमारी डिस्कशन होती रहती है और चलती रहती है इसके ऊपर पर इसमें मेरा सवाल है ज्ञान तो ब्रेक ब्रेक हो रही है ब्रेक के बाद क्योंकि आज हम ज्यादा ट्वीट्स को नहीं लेंगे आज ज्यादा इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे वक्त हो रहे जी ब्रेक का ब्रेक के बाद जब तो कुछ जो स्क्वाड में ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उन पे भी मैं चाहूँगा कि मैं वसीम भाई से बात करूँ एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम प्लेयर्स हु जस्ट से आर बीन अ लिटिल मोर वोकल ऑन सोशल मीडिया अबाउट द सेलेक्शंस आई आल्सो टॉक अबाउट दैट देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज़ विल बी राइट बैक वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीमी वसीम भाई जल्दी से अ कपल ऑफ क्वेश्चन क्योंकि आई थी हमारे पास कुछ ट्वीट्स भी हैं मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं होगा लेकिन स्टिल टॉक अबाउट दैट थोड़ी सी हमें अपडेट देते हैं ऑन सम ऑफ द मेजर इंजरीज दैट द पाकिस्तान टीम हैज शाइन शाह फ्रीदी बीन एट द वेरी वेरी टॉप कल हमने देखा शादाब ऑल्सो डेंट कम आउट टू बैट तो शादाब पे भी अपडेट दे दें एंड फ़खर जमान इन पे जरा अपडेट देते दे हैं इफ देयर इज एनी अदर कंसर्न पर हां देखिए अपडेट तो इसको वो प्रेस रिलीज आपके पास आ जाएगी पीसीबी की जानिब से जो मेन जो हमारा कंसर्नस है फाखर जमान एंड शाहीन शाहीन का था उनका ये अब इंग्लैंड में चल रहा है और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं कि दे ऑन द राइट ट्रैक के जो भी टारगेट एक किया हुआ है हमने टाइमलाइन उनके लिए तो उसके ऊपर वो जाएंगे लेकिन वी स्टिल मॉनिटरिंग कि ऑब्वियसली हमारी कोशिश है कि वो टाइम लाइन थोड़ी सी जल्दी हो जाए ओबियसली हम नॉट डिस्लोज के एग्जैक्ट वो टाइम लाइन क्या थी लेकिन कोशिश ये है कि वो थोड़ा सा उससे पहले आ जाए ताकि उनको थोड़ी World सी मैच प्रैक्टिस वगैरह भी मिल जाए वर्ल्ड कप से पहले बट लेट्स सी इसके ऊपर ये कमिंग डेज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस के उसके ऊपर क्या अपडेट्स आती हैं एंड देन विल सी हाउ द फर्दर थिंग्स गो जो कल की इंजरीज हैं ऑब्वियसली उसमें उस्मान अभी तक वो उनका जो है थमका उनका स्मॉल फ्रैक्चर था उसके अंदर तो अभी देखते हैं वो कब रिकवर करते हैं शादाब की अपडेट अभी आ जानी है कि वो अब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ही आएगी तो उनका शायद टीयर वन का उनका हैमस्ट्रिंग का था जो उनका इशू चल रहा था तो बाकी जो लड़के हैं ये छोटी इंजरीज हैं लेकिन जो बड़ी इंजरीज हमारी दो वही हैं तो इस पर आपको अपडेट पी की जानवर से मिल जाएगी जल्दी चले एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया दूसरा मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ ट्रैवलिंग रिजर्व की ट्रैवलिंग रिजर्व की मैं कॉन्वर्सेशन आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन वैसे तो क्या नाम है अगर आपका पंद्रह का स्पॉट मेन सही फिट हो जाए तो इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं लेकिन ऑब्वियसली इफ देर इज़ वन पर्सन हु प्रोबेबली कैन स्टिल स्टेक अ क्लेम इज़ फुली फिट इन द फर्स्ट फिफ्टीन इज़ फख्र जमान एक uh, वो है लेकिन मेरा सवाल है आपके रिज़र्व कीपर को लेकर यह मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में जो नेशनल टी ट्वेंटी हुआ उसमें सरफराज प्लेड रेली रेली वेल और एक वैसे, वैसे कन्वेंशनल विजडम यह कहती है कि अगर आपने एक रिज़र्व कीपर लेना है वह वुड प्रॉबली नॉट बी कॉल्ड अपॉन एट ऑल और ट्रैवलिंग रिजर्व लेकर जाना है तो मे बी एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर वुड बी अ बेटर शॉट थोड़ा सा एक और है आपके पास टॉप ऑर्डर ऑप्शन पहले ही बहुत ज़्यादा हैं आपके उसमें सो ही ऑल्सो कैन कम इन से एट फोर फाइव वॉट वुड बी द रीज़न वाई सरफराज वुड बी ओवर लुकड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कवाड देखिए इसमें दो चीज़ें आप जो रिज़र्व वाली बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग रिजर्व वाली या उसमें मेरी सोच थोड़ी सी अपोजिट आई थिंक दैट्स मोर नॉर्मल ओके आप जब बेंच पे आपके ठीक है ना कि आपके बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और स्पेशली आपके जो कैप्टन एक्स कैप्टन रह चुके हैं आई थिंक उनके साथ भी ना इंसाफी है कि वो सिर्फ जाके बेंच पे बैठे दूसरी बात ये है कि दैट्स नॉट द रीज़न कि वो सिलेक्शन नहीं है ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ कि दूसरा ये है कि फिर बात रोल्स की आ जाती है ठीक है ना आपने हर चीज़ से मेरी एग्री एग्री किया ऐसे ऐसे हाँ जी लो वैल्यू हाई वैल्यू नहीं वो तो मैं आप जब, जब आप जाएंगे तो फिर, मैं फिर मैं आप सवाल <laughs> ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब आपको समझ नहीं है इस चीज़ की देखें रिजवान ओपन करते हैं ठीक है ही ना हारिस यू कैन ओपन ओपन ही किया नहीं देखें उसमें अगर वो ओपन नहीं करते कोई भी कीपर खेलता है वो ओपन नहीं करता तो वेयर वुड ही बैट दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ आठ या नौ पर खेलेगा जाके जहाँ पे दो ओवर रह गए तीन ओवर रह गए आपको दस की एवरेज पंद्रह की एवरेज आपको छक्के चाहिए बाउंड्री चाहिए तो कौन सा आपके पास बेहतर ऑप्शन होगा डाउन दी ऑर्डर वहाँ पे जाए तो आप जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तीन चार चार के ऊपर शायद वो ज़्यादा खेल रहे हैं चार के ऊपर फिर बात वही आ जाती है कि मैं किस टाइप का बैट्समैन चाहिए और जितने लड़के रखे हुए हैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका जो वे ऑफ प्ले था इस सीरीज के अंदर उस पर मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि उनको इससे बेहतर खेलना होगा बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलना होगा बेहतर इंटेंट से खेलना होगा दैट्स देयर रोल फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरह ही खेलना है तो मेरे पास बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे इस तरह खेलने वाले लेकिन उसमें हमें सक्सेस के चांसेस फिर कम हो जाते हैं हमारे जी रहा yeah. टीम सेलेक्ट हुई हमने शान मसूद की इंक्लूजन हुई स्क्वाड के अंदर हमने काफ़ी सुना कि पी की तरफ से जो नेशनल टी ट्वेंटी कप है डोमेस्टिक टीम्स को एक मैसेज भी किया कि हम ये चार पांच प्लेयर हैं जिनको हम नंबर चार या पाँच पे ट्राई करना चाहते हैं तो उनकी टीम्स ने उनको खिलाया मेरा सवाल ये है कि उसी नेशनल टी ट्वेंटी कप के अंदर जब हमने ये रोल्स चेंज किए तो इसकी वजह से कुछ और प्लेयर्स से जिनकी अपनी इफेक्ट हुई यानी देर वॉज दिस वन प्लेयर जिसकी नेशनल टी ट्वेंटी कप की हिस्ट्री में इज अ थर्ड हाइस्ट स्कोर एक सौ चालीस की उसकी वो है स्ट्राइक रेट और अठतीस के करीब की एवरेज है पर वो पूरा टूर्नामेंट नंबर छः सात पे खेला सो इज इट लाइक जब ये नेशनल टी ट्वेंटी कप हो रहा होता है तो इज द मेन पर्पज द नेशनल टीम और दैट एज अ कॉम्पिटिशन देखिए दोनों लेकिन मेन आपकी डोमेस्टिक कोई भी कम्पिटिशन आपका हो रहा है तो बेसिकली तो उसने फीड करने हैं प्लेयर्स ऊपर ठीक है ना अब ये हमें I mean, जो सॉर्ट ऑफ बहुत स्ट्रैटी थी या प्लानिंग थी वी डिस्कस्ट इट विद द डोमेस्टिक कोचेज हम बैठे कि हमने इस चीज़ को क्या करना है क्योंकि आप अंडर थर्टीन से लेके आप सीनियर क्रिकेट तक आ जाएँ आप सारे परफॉर्मर निकाल लें टॉप ऑर्डर आपको नजर आएंगे अंडर नाइनटीन में भी आपको जो भी जिनकी बड़ी परफॉर्मस हैं टॉप ऑर्डर हैं कैदा ट्रॉफी में भी यही नज़र आएगा वाइट बॉल के अंदर भी यही चीज़ें नजर आएंगी तो उस पर सोच गई थी कि जब तक हमारे की डेवलप नहीं हो रहे हमारे मिडिल ऑर्डर जो प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं तो उसमें जो बेहतर इक्विप ऐसे बैट्समैन जो कि टॉप ऑर्डर में रन किए हुए हैं लेट्स गिव दम चांस इन द मिडिल ऑर्डर ठीक है ल, order, और पे उस पर पूरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है ये नहीं कि कह दिया भाई तुमने तो कल चार नंबर पर खेलना है उनके साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस किया है और आफ्टर द एग्रीमेंट के जी ठीक है हम एग्री कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ हमें सक्सेस भी मिली है कुछ प्लेयर ऐसे में लग रहे हैं कि यार आगे चल के ये इस्टेब्लिश हो सकते हैं एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो जो दूसरी बात आप कर रहे हैं तो वो पाँच छः की भी उतनी ही वैल्यू है ठीक है ना मैं तो सिंपली ये है कि मैं जिस रोल के लिए देखता हूँ बंदे को उसके अंदर फिर आपके स्टैट ये चीज़ें मैटर तो नहीं करते मतलब स्टैट्स उस तरह मैटर नहीं करते कि मैं देखूंगा जी अब छः नंबर पे खेल रहा है तो इसकी चालीस की एवरेज होनी चाहिए इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो इम्पैक्ट परफॉर्मस उसकी कितनी है तो वो नंबर बचाक उसके कम होंगे लेकिन स्ट्राइक रेट या उसका जो इम्पैक्ट है मैच के ऊपर उसकी ज़्यादा वैल्यू है दैट्स आई एम डूइंग माई सिलेक्शन बट उसमें मेरा सवाल है कि अगर शान मसूद को बलोचिस्तान में नंबर चार पर इसलिए खिलाया गया और दूसरी एक दो और टीम्स में भी हमने एडजस्टमेंट की तो लाइक का हुसैन तलत जिसने चार पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया नेशनल टी कप की हिस्ट्री के अंदर उसको किसी और टीम में डाला जा सकता था

क्योंकि हाल में जब सी पी एल ख़त्म हुई तो इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया इमाद हैड अ वेरी वेरी गुड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान बट देन सर्टनली ही वॉजन इन दाइट बॉल प्लान आई नथिंग टू टेक अवे फ्राम नवाज नवाज इज डूंगस जॉब लेकिन क्या ये वाली चीज़ कंसिडर की जा सकती थी कि मे बी um, इमाद कुड बी रिजर्व स्पिनर देयर इन विद द टीम या नो देखिए बात फिर उधर आ जाती है आपकी यूटिलिटी की कि क्रिक्टर्स की आपकी ठीक है ना मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में या स्टैट्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि शुरू में मैंने की थी ये बातें इस तरह की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैं स्टैट्स वगैरह बताता था हाँ तो वो कुछ लोगों ने कहा जी कि इट लुक्स बैड ऑन द प्लेयर्स कि आप उनको मतलब सो डफ़ा कर अब जो भी आएगा उसको रखना पड़ेगा हाँ तो मैं स्टार्ट उसके अंदर नहीं जाऊँगा बात फिर वही है कि देखिए आपके बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ऑप्शन आपके पास क्या है ना आप तो उस तरफ जाएंगे ना ठीक है ना तो फिर मैं वो लिमिटेशन और इन चीज़ों के ऊपर अगर आप जाते हैं वो चीज़ों का कंपेयर आप करते हैं बैचअप जो चीज़ें आप अक्सर डिस्कस करते रहते हैं उसी वो लंबा एक वो आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है तो वो देखते हुए मैं जो बेहतर ऑप्शन लगा था तो वो हमने सेलेक्ट किया था और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आ रहे हैं ठीक है हमने शो वाइंड अप करना है लेकिन उससे पहले मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टेड टोपी हटाएं कोच एनालिस्ट प्लेयर वाली टोपी पहने

एज अ कैप्टन आई थिंक अगर मैं कप्तान होता तो मेरे पास बॉलिंग के ज्यादा रिसोसेज अगर होते कि चार पेचेज के साथ ये दो ऑलराउंडर जाते हैं और आपकी बैटिंग भी उस पर सात आठ पे जाती है तो देट कूड बी द बेस्ट आपकी वो यू ना करें बताएं जी पोजीशन वाइज चलें ख्वाहिश तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे उस पर होता तो शायद मैं आप खिलाता है नहीं ओपन चार पाँच को मैं कभी भी नहीं नवाज को खिलाएंगे देखें उस पर देखते हैं अभी फकर, होती है उनकी फिर उनका शान के साथ है बट ओबिस जितने भी ये नीचे प्लेयर्स आएंगे उनको अपना रोल समझना होगा कि उनको कौन सी क्रिकेट खेलनी है इसमें कोई चार सीमर्स तो ईजी है ना आपके उसमें तो उतना वो मुश्किल नहीं है आपका अगर शाइन फिट हो जाते हैं अल्लाह करे कि वो हमारे पास लग्जरी आ जाती है तो, तो दैन इट में बिकम बिटवी नसीम एंड वसीम अदरवाइज हारिस आपके हैं और, है, और शाहन है नसीम शाह वसीम जूनियर जो आपके फ्रंट लाइन तो यही बनते हैं आपके ठीक है रिहान

से बात करें लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा रिहान वसीम और हैदर को इजाजत दें टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज